अमित शाह के बेटे ने किया तिरंगे का अपमान। तिरंगा हाथ में लेने से भी किया इनकार। ये तस्वीर देखिए, जो लोग तिरंगे के नाम पर पूरी राजनीति चमकाते हैं, जो लोग हर घर तिरंगा नाम का ऐलान करते हैं, उनकी औलादे तिरंगे को हाथ भी नहीं लगाना पसंद करती। एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की तो हर कोई इंडिया इंडिया कहते हुए तिरंगे को शान से लहराकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा था। स्टेडियम में देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी, जो इन दिनों बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं, उन्होंने तिरंगे को हाथ में लेना तक गवारा नहीं समझा। देखिए कैसे जब एक शख्स जय शाह को तिरंगा देने की कोशिश करता है तो वो तुरंत इनकार कर देता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आम लोगों से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं तक इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के गौरव पांडे ने लिखा, जय शाह ने तिरंगा लेने से क्यों मना किया? भारत के तिरंगे का ऐसा तिरस्कार क्यों? वहीं टीआरएस के सोशल मीडिया कन्वेनर वाईएसआर ने लिखा, जय शाह पर उसके संघी पूर्वजों का गहरा असर है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ने भी 52 साल तक तिरंगे को नहीं फहराया था और अब आजादी के अमृत महोत्सव में अमित शाह के सहजादे भारतीय ध्वज को हाथ लगाने से इनकार कर रहे हैं। जय शाह ने जो किया वो आपके सामने है, लेकिन विपक्षी नेताओं के डीपी नहीं बदलने पर उन्हें देशद्रोह कहने वाली मनु मीडिया के कथित पत्रकार चुप्पी साधे बैठे हैं। एक यूजर ने मीम शेयर किया जिसमें सभी बदनाम पत्रकार मैं जय शाह के साथ हूं कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे के प्रति अमित शाह के बेटे जय शाह ने जैसी बेरुखी दिखाई है, उससे न सिर्फ भारतीय ध्वज का अपमान हुआ है बल्कि संघियों की उस मानसिकता का भी पता चला है जिसमें वो तिरंगे को ना पसंद करते हैं। काफी लंबे वक्त तक आरएसएस तिरंगे को नकारता रहा। आरएसएस हमेशा कहता रहा कि वो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानता और भगवा को ही वो अपना ध्वज मानता है, लेकिन अब देशभक्ति के नाम पर जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, हर घर तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है, उसके नाम पर वोट बटोरने के लिए आरएसएस और बीजेपी तिरंगे को हाथ में लिए नजर आती है। लेकिन बावजूद इसके आजादी के अमृत महोत्सव में जय शाह ने तिरंगे को हाथ में लेना ही पसंद नहीं किया, इससे देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।